ब्लॉगर के घर की हालत, एक गरीब ब्लॉगर। हर एक लड़की सोचती है कि मेरा पति यश जैसा हो, और हर लड़की इससे नहीं मार सकता ना। तो सॉरी गर्ल्स, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम गए थे बुआ के घर, बारिश में यहाँ इतना पानी आ गया, लोगों के घर पानी देखो, लोगों के क्या हमारा देखो भाई साहब। बुलेट इतनी मुश्किल से लेके आया हूँ ना मैं, अगर इसको सीधा करके खड़ा करके दिखाऊँ ना, सिलेंसर पूरा पानी के नीचे आ रहा है। पर इतनी मुश्किल से चला के लाया ना, एक टाइम को तो ऑलमोस्ट यहाँ तक पानी आ गया था, तो फिर इतना सिलेंसर के अंदर पानी भर गया था, तो अब ऑन करके सारा पानी निकाला इसका भी। और अभी दिखाता हूँ घर के हाल, सिर्फ हमारे नहीं सभी घरों के हाल है। ये देखो मम्मी, वीडियो बनाओगे? मैं से तैरता हूँ मछली बन के जानी मछली। अरे घंटा कुछ नहीं बोला जा रहा, जल की रानी बनता हूँ मैं। अंदर जैरी भी तैर रहा होगा अभी तो, अंदर ऊपर बैठ के जैरी, जैरी तो बिस्तर पे चढ़ गया भाई। अगर मैं क्या हाल दिखाऊँ ब्लॉगर ऐसे, ये मैं थंबनेल खींच लेता हूँ, ब्लॉगर के घर की हालत, एक गरीब ब्लॉगर है, एक गरीब ब्लॉगर बेचारा, एक गरीब ब्लॉगर। मम्मी पानी तो घुस गया अंदर, अब क्या कर रही है आप? बारिश फिर पड़ गई भाई आज तो। अगर कोई सज्जन पेड़ पूल पे आना चाहता हो तो हमारे घर पे आ सकता है, मात्र 200 rupees फॉर 1 hour लेंगे हम। एक एग्जांपल दूँ मैं और मेरे दुख का, मान लो पानी मेरा दुख है, तो बाहर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कम होएगा ही नहीं क्योंकि बाहर भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, दुनिया में भी बहुत ज़्यादा दुख है, तो मेरा दुख क्या ही कम होगा। वाह वाह का शायरी आ रही है इस आपदा में भी मेरे पास, वाह वाह यश गौतम वाह वाह। मम्मी के साथ काम नहीं करवा सकता तू। गरीब ब्लॉगर की गरीबी देखते हुए आप इस वीडियो को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो। मैं इतना कर सकूँ कि मैं अपने पूरे इतना पैसा दे दूँ, मेरे पास इतना पैसा दे दो कि मैं इलेक्शन में लड़ूँ, और ऐसा बोलूँ कि सड़कें काम कर दूँगा, इतने नालियाँ वाले गटर वटर बना दूँगा, उसके बाद कुछ भी ना करूँ भाई, मज़ेदार बैठूँ ऐसे, इतने गपले करूँ मज़ा ही आ जाए, स्वर्ग बन जाए आने वाली पीढ़ी की ज़िंदगी। तो चलो और तो उसके लिए आप मुझे सपोर्ट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, और आपको मैं मिलता हूँ नहा धोके। सो गाइस मैं तो नहा धोके सो गया था, बेचारे मम्मी अभी घर की सफाई वगैरह करके थक हार के लेटे हैं, और बेचारे सो भी गए होंगे खाना वगैरह खा के। तो मतलब मैं तो फिर से ये कहना चाहूँगा, पंजाब सरकार जो आम आदमी पार्टी है, इसको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि एक ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, कितना बुरा हाल है। चलो हम तो फिर भी यहाँ पर हैं और किसी जैसे तैसे करके हमारा ठीक है, जो बेचारे पीजीज होंगे जिनका नीचे ही सामान पड़ा होता है, नीचे गद्दे होते हैं, कोई और भी जिसका ऐसे सामान पड़ा होता है, कितना नुकसान होगा। शॉप्स वालों में जाके हाल पूछ के देखो तुम, कितना नुकसान हो रहा है, पर फिर भी लोग गुनगाते हैं इनके। हालांकि चलो जिसका मतलब मेरे हिसाब से ना कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता जिसका गुजारा हो रहा है, कभी उससे जाके पूछ के देखो, दुकान वालों से जाके पूछ के देखो, जिनों के फ्रिज ख़राब हो गए, जिनों का सामान ख़राब हो गया। आज मेरे मतलब बुआ के हस्बैंड की शॉप है अपर सुहाने में, उनका इतना सामान 30,000 का कहते हैं सामान ख़राब हो गया दुकान में पड़ा पड़ा बारिश की वजह से। अब बारिश का पानी तो नहीं, हम तो नहीं रोक सकते ना, आप लोग के ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। पर नहीं, ये तो बेशर्म हो गए, सो रहे होंगे, कभी इनको तो पता भी नहीं होगा कि भाई बारिश भी हो रही है बाहर। गुड मॉर्निंग, और मेरे हिसाब से तो आज मुझे नहाने की ज़रूरत है नहीं, कल रात को नहा के सोया हूँ 8 बजे भाई, आज क्या करूँगा नहा के। तो चलो अगर कोई बोल ले अंकल, अगर ज़रूरत लगी नहाने की तो दोपहर में नहा लेंगे, अभी तो बहुत ठंडा पानी होगा, चिल्ड पानी है ऐसे, जब ऊपर पानी गिरता ना ऐसे लगता है आत्मा ऐसे मुँह से बाहर निकल जाएगी। तो चलते हैं, फिलहाल तो थोड़ी घर के लिए सब्जी वगैरह लेके आनी है, और ये पिंपल होगा पता नहीं, गर्मी हो रही है शरीर में सर्दी में, तो चलो सब्जी वगैरह लेके आते हैं। स्पीड ब्रेकर इधर है ना, पूरे मोहाली में नहीं देखने को मिल सकते। एक और आ गया, पता नहीं कितनी यहाँ पर भाई रेसिंग चलती है, बहुत स्पीड ब्रेकर है, बहुत ज़्यादा ठंड तो होगी हल्की हल्की भाई, महसूस कर पा रहा हूँ मैं ठंड।
अगर आपके यहाँ भी ठंड होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। मतलब तो दिवाली होती है ना, वो सर्दियों में मना के मजा आता है, तो दिवाली से पहले प्रॉपर ठंड हो जानी चाहिए। जैसे टमाटर मैं चूज करके लाया हूँ ना, और फ्री में हरी मिर्च और धनिया लाया हूँ, एकदम प्रॉपर हस्बैंड मटेरियल वाली वाइब आ रही है मेरे में से भाई। मतलब वाह क्या यश गौतम, कितनी तारीफ करूँ मैं अपनी, वाह वाह मजा ही आ गया। आप तो सबसे लीस्ट रेट बताते हो, जैसे सब्जी का रेट चल रहा है ना बाहर 100 रुपए किलो, मम्मी बोले 30 रुपए किलो बिक रहे हैं, क्योंकि कम से कम 50 रुपए किलो तो सस्ता करके लाऊंगा मैं। इतने मस्त टमाटर आया हूँ ना मैं, हर एक लड़की सोचती कि मेरा पति यश जैसा हो, और हर लड़की इससे नहीं मार सकता ना। तो सॉरी गर्ल्स, अरे मैं उस टाइप का नहीं हूँ, मेरी वो आकांक्षा ही नहीं है। आपने सुना होगा कि तीसरा इंसान होता है किसी की जिंदगी में, तीसरा इंसान आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो मैं आपको तीसरा इंसान क्या होता है वो एक्सप्लेन करता हूँ। जो दो बंदों की बात दूसरे इंसान ने पहले इंसान को बताने की बजाय किसी तीसरे इंसान को बता दी, और पहले इंसान के दिल पे क्या बीतेगी वो अगर दूसरे इंसान को पता होता तो कभी ज़िंदगी में तीसरा इंसान आता ही ना। मैंने वादा तो कर दिया था मम्मी कल कि मैं ओरियो शेक बनाना सिखाऊंगा लोगों को, ओरियो तो ले आया पर आता नहीं मुझे बनाना, ठीक है। मैंने यूट्यूब पर भी देखा, बस का लग नहीं रहा मेरा, क्या वनीला आइसक्रीम वगैरह बता रहे। तो मैं तो सिंपल बनाऊंगा जैसे बनाता हूँ, एक गिलास दूध लूँगा, हैंड लूँगा और हैंड ब्लेंडर लेके उसको पीस के अपन पीजिएगा। और भाई ये आलसियों को ओरियो शेक है, ऐसे ही है, यही मेरी रेसिपी है, बहुत स्वाद बनता है मेरा विश्वास करो, ट्रस्ट मी, ठीक है। वरना एक बार ट्राई कर लो, वैसे भी तो बेकार चीज़ें खाते ही होंगे। ये ले, सो गाइस आता मुझे है नहीं वैसे, और फिर भी आपको सिखाऊंगा मैं ओरियो शेक बनाना, सस्ता ओरियो शेक। उसके लिए आपको पहले चाहिए हाथ, ठीक है। अगर आपके पास हाथ नहीं है, कटे फटे हुए हैं, तो नहीं आप बना सकते, ठीक है। आपको हाथ चाहिए क्योंकि हमें इस्तेमाल करना हैंड ब्लेंडर का, उसके लिए आपको हाथ चाहिए होगा, वरना कोई भाई बंधु को बुला लेना। तो मैंने एक जग में एक गिलास दूध डाल लिया, और अपने हिसाब से चीनी डाली, उसके अंदर डालूंगा एक पैकेट चॉकलेट क्रीम वाला ओरियो, डाल दिया। अब वैसे इसके अंदर वैनिला आइसक्रीम भी डलती है, इतना हमारा बजट है नहीं है वैसे भी, तो हम ऐसे ही बना के पी लेंगे भाई, क्या थोड़ी जो ऑनलाइन दिखा रहे वैसे क्या होगा। अब इसको आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा है, वैनिला आइसक्रीम डालने की जरूरत नहीं, बहुत लाजवाब टेस्ट है, आप ट्राई कर सकते हो। मैं तो वैसे अपनी बेइज्जती करता रह गया, मम्मी सीरियसली टेस्ट करके देखना आप इसके बाद, और बहुत टेस्टी बना है, तो इसको ज़रूर ट्राई करना, और काफ़ी अच्छा है भाई, और पियो और मस्त रहो, और बस मेरी बात याद रखना, अच्छा खाओ, जो मन करता है वो खाओ, मोटापा मोटोपे की भाई कोई दिमाग में आना मत देना कि मोटे हो जाएंगे पतले हो जाएंगे, अब सब मत सोचो, क्या पता कल को कोई और आपदा आ जाओ, तुम निपट जाओ दुनिया से। ओरियो शेक पीने के बाद अपन चला गया था गहरी नींद में, और अब उठ के आया, अभी बज रहे दोपहर के 2:30, और कोई नहीं गैस कर सकता है मौसम, ऐसा ही मौसम चाहिए हमें बाबू भैया, ऐसा ही मौसम चाहिए, क्योंकि हो रही है बहुत गर्मी। वो उधर पानी भरा हुआ था थोड़ा, तो मैंने सोचा इस साइड से चलते हैं। तो पहले तो ना मैं थोड़ा सा कवर अप इसलिए दे रहा था कि मुझे लगा अच्छा नहीं बनेगा ओरियो शेक, पर लिटरली जो वो स्वाद बना तब फेल है। अब आ गया मुझे ओरियो शेक बनाना फाइनली, और मैंने आप लोगों को भी सिखा ही दिया, मस्ट ट्राई करना, इजी है बहुत, ये बना बना के पियो, और
जिसको शुगर नहीं डालनी, शुगर मत डालना, कुछ ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है वैसे अगर आप चॉकलेट क्रीम वाले ओरियो ले रहे हो तो। बाकी हमारा भाई ऐसे बैठा है तुम्हें ऐसे आसान आसान और रेसिपीज़ बताने के लिए, क्योंकि ऑल आलसीज़ आर वन, हमारी गैंग है आलसीज़ की। वैसे ही आसान आसान रेसिपीज़ मैं आपको सिखाता रहूँगा। और अभी मैंने देखा पापा सो रहे थे तो ये ब्लॉग भी थोड़ा लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि वो नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगा पापा का। पापा खुद बताएंगे कि पापा ने टोटल 19 साल कितने कितने साल कहाँ कहाँ काम करा, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग के स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा, वो व्लॉग भी ज़रूर देखना। तो चलो थोड़ी सी वॉक करता हूँ फिर चलता हूँ घर, इस व्लॉग को करता हूँ यही एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, आसान सी ड्रिल है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा देना। बाय बाय, लव यू।